आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ लॉगिंग फॉर्म बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं कि जब भी मेरा फाइल ओपन हो तो लॉगिंग मांगे और जो लॉगिंग हम दें उसी हिसाब से वर्क, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एडमिन का सीट बना रहा हूँ जहां पे मैं अपने आईडी और पासवर्ड रखूंगा, क्योंकि तो मैच कहाँ करेगा। तो आईडी एंड पासवर्ड रखा, तो जैसे मैंने आईडी रख दिया, एक तो एडमिन का आईडी रख देता हूँ, 123 पासवर्ड कर दिया हमने। दूसरा यूजर, इसका पासवर्ड 2015 कर देता हूँ, मेरे बेटे का बर्थ ईयर है तो डाल दिया मैं। अब मैं डेवलपर टैब में जाता हूँ, विजुअल बेसिक पे जाता हूँ, इंसर्ट जी यूजर। आपने देखा होगा कि लॉगिन हमेशा एक वर्टिकल शेप में होता है, तो मैं वर्टिकल शेप कर लिया। और यहाँ हमने यूजर फॉर्म वन की जगह पे लॉग इन का टाइटल दिया, ठीक है। अब इसमें मैं यहां से सबसे पहले दो चेक बॉक्स उठाऊंगा, यहां से एक ये उठाया हाँ और एक बार एक और मैं सेम उठाऊंगा नीचे। ठीक है, हाँ अब इसका हेडिंग के लिए लेबल, आपको पता ही कि लेबल हेडिंग से होता हाँ है लेबल। और यहां पे मैंने कर दिया लॉग, जैसे आईडी होगा मतलब आईडी, और आईडी को एडजस्ट कर लीजिए जगह पे अपने, ठीक है। और फिर इस पे एक बार और लेबल लेते हैं और यहां पे पास, यहां से देखिएगा बहुत अच्छी टॉपिक है और इस पे आपको थोड़ा सा काम भी करना है, इसलिए कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए। राइट। और बटन में यहां हम जो है ये बनाते हैं लॉग लॉग। और यहां हम देते हैं एक और बटन, गेस्ट, लॉग इन एज ए गेस्ट, ठीक है। जी या कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन मैं देता हूं लॉग इन एज ए लॉग इन। ठीक है। अब ये यूजर फॉर्म यहाँ पे इसकी जो इसका जो यूजर फॉर्म का नेम है, मैं सबसे पहले तो यहाँ से नेम यूजर फॉर्म की जगह पे मैं डाल देता हूँ लॉग, राइट। अब लॉग ओपन कैसे कैसे ओपन होगा, तो यहाँ पे मैं एक ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन वर्कबुक या ओपन मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग डॉट शो, ठीक है। जब भी फाइल ओपन होगी ये लॉगिंग आ जाएगा। मैं एक बार सेव करके बताता हूँ कि क्या लॉगिंग कैसे आया। आ गया सर। यहाँ पे आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब दो चीज है, ये पासवर्ड यहाँ शो हो रहा है, ये पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए, इससे स्टार आना चाहिए। तो उस और दूसरा मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक लॉगिंग हो, यहाँ भी एक लॉगिंग हो। तो आप यहाँ से कमांड बटन लीजिए और यहाँ से, क्योंकि एक एक वेलकम शीट मैं चाहता हूँ कि वेलकम शीट दिखे, क्योंकि जब लॉग आएगा तो पीछे कुछ कुछ एरिया दिखना चाहिए ना सर, टाइम तो नहीं दिखेगा। एक एक शीट मैंने ऐसी वेलकम शीट डाल दिया, ठीक है। तो ओपन होते हुए तो मांगेगा मांगेगा, और अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो भी यहां पे लॉगिन मांगेगा। तो डबल क्लिक करके मैं यहां पे दे देता हूं लॉग डॉट शो, ठीक है। तो अब यहां से डेमो हटाता हूं, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मांग रहा है। अब बात तो दूसरा प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसकी पासवर्ड कैसे चेंज हो, पासवर्ड में स्टार स्टार कैसे आए। तो
इस पे क्लिक कीजिए आप जो टेक्स्ट बॉक्स है, और नीचे इसकी प्रॉपर्टी में देखिएगा पासवर्ड करेक्टर या पास करेक्टर करके आएगा, आएगा पासवर्ड करेक्टर। तो क्या चाहते हैं, डैश हैश कॉमा? मैं स्टार चाहता हूँ कि जनरली पासवर्ड स्टार ही होता है ना सर, स्टार लगा। ये दो बार क्यों हम लोग ये स्क्रीन दिखाना चाहते हैं, पहले बार जब वर्कबुक ओपन हो जाए तब भी और बाद में ये बटन प्रेस करके भी, तो इसका समझ में नहीं आया। नहीं, यहाँ लॉगिन मान लीजिए ना कि हमने हमारा प्रोजेक्ट किया, हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमारे पास कई सारे शीट्स है, राइट, यूजर शीट है, जैसे यूजर आ गया शीट है, ऐसी बहुत सारे शीट्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से हम लॉग, मान लीजिए कि मैं यूजर पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे मान लीजिए एडमिन पे काम करना है, तो मैं यूजर को लॉग आउट करके फिर वापस एडमिन पे जाऊंगा, तो जैसे लॉग आउट करूंगा वो वेलकम शीट पे पहुंच जाएगा। तो इसको अगर हम इस वर्कबुक को क्लोज करें और ओपन करें तो भी वो स्क्रीन आएगा? ओपन करना पड़ेगा ना सर। ओके, ना करना पड़े इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। या ये समझ लीजिए कि मुझे आपको अब समझाना है तो बार बार मुझे सीट ओपन करके इस यूजर फॉर्म को रन करना पड़ेगा ना, इसलिए कर, ठीक है, समझ गए। अब आगे यहाँ पे पासवर्ड करेक्टर में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यहां पासवर्ड दिए गए हैं उस पासवर्ड के अकॉर्डिंग लॉगिन, ठीक है। तो कैसे कैसे करें, एक कोडिंग जो होगी ये होगी आपकी बटन लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन पे क्लिक किया और सबसे पहले जो आईडी डाला हुआ है, जो पासवर्ड डाला हुआ है, उसको मुझे मैच करना है, ठीक है। तो यहां लगेगा 4 r = चले 22 शीट्स, शीट्स में क्या होगा एडमिन, एडमिन डॉट रेंज ए 65000 डॉट एन डॉट एक्सल अप डॉट रो, ठीक है। नेक्स्ट आर। अब यहां पे हमें करना है इफ इफ ए के साथ आई कंबाइन होगा डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू मी डॉट, अब मी क्या है यहां पे एक्टिव यूजर फॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 dot value, राइट, और यहां पे एंड देके स्पेस अंडरस्कोर करके नीचे लाते और वापस इसको कॉपी करते यहां पे पेस्ट करते और यहां पे ए की जगह हो जाएगा बी और टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह हो जाएगा value 2 डॉट वैल्यू देन अनलोड मी, मतलब यूजर फॉर्म को रिमूव कर, ठीक है। उसके बाद शीट्स, और शीट्स में हम जो है ये अनलोड मी बाद में करना है, यहाँ पे इसको नीचे कर। इसके बाद शीट्स, शीट्स के अंदर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 dot value शीट का नेम वैल्यू डॉट एक्टिव या सेलेक्ट। अब यहां पे एक चीज और करना है, हो गया सर। तो ये समझ में नहीं आया, ये मी डॉट टेक्स्ट 1 इसमें तो यूजर नेम डाल रहे हैं ना टेक्स्ट बॉक्स 1 में, यूजर नेम है वही सीट का नेम है ना, तो जो okay. यूजर नेम डाला था वो सीट एक्टिवेट कर देगा। ओके, ठीक है। और बाकी जो सीट को हाइड कर दे, उसके लिए यहां चलाएंगे हम बिफोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट कॉम और यहां होगा कि इफ शीट्स आई डॉट नेम is not equal to welcome, ठीक है, and same sheets
आई डॉट नॉट नेम नॉट इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट अब यहाँ पे एंड नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे और शीट आई डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी एंड इफ एंड नेक्स्ट अब आई दो हो गया तो यहाँ जे होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे जे करना होगा ठीक है, इसमें नया आपको सर इवला लाइन ये नॉट इक्वल टू वेलकम क्या लिख रहे हैं हम, देखिए दो सीट है ना सर, वेलकम तो चाहिए चाहिए, ये हाइड नहीं होना चाहिए और जिसका पासवर्ड डाला जैसे यूजर हमने डाला यूजर हाइड ना होगा, बाकी जितने भी सीट से वो हाइड हो जाए ओके ठीक है ओके। और यहाँ पे सिलेक्ट से पहले मुझे इसको एक मिनट दीजिए अब यहां ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले अब यहां पे जैसे ही इसको मिल जाता है यहां पे एग्जिट नहीं एग्जिट फोर होता एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ ठीक है, और पासवर्ड बनाते हैं यूजर 2015 इसको बंद करके खोल सकते हैं एक बार में। हम बताता हूँ ठीक है ओके वो बटन कनेक्ट नहीं किया हम लोगों ने अभी तक, कनेक्ट कर रखा है यहाँ शीट वन नॉट इक्वल टू वेलकम तो यहां जी आई छोड़ गया था सर ये वेरी हिडन का वैल्यू 2 दिखा रहा है, हाँ ठीक है तो कुछ गड़बड़ कर दिया इसने, बिल्कुल को भी हिडन कर दिया, देखते हैं बिल्कुल भी हिडन नहीं करना चाहिए था ना,
मोटिव क्या है एक बार समझ लीजिए ताकि आप भी मदद कर सके। थोड़ा मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ ये सब देख। ये होता है हमें, मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना है अच्छा कि जब मेरा फाइल्स ओपन हो तो सारे हाँ शीट, दो ही शीट है, हो सकता है कि हम 200 शीट हो, सारे शीट हाई, हाँ ओके तो हाँ उसे मुझसे पूछे पासपोर्ट आईडी। अब आईडी पासपोर्ट जो डालूंगा वो एडमिन शीट में जाके मैच करेगा, जहां अगर दोनों आईडी और पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है मतलब कि ठीक है, जो आईडी और पासवर्ड जो मैच किया उस सीट को एक्टिवेट कर देगा, समझे, उस सीट को एक्टिवेट कर देगा, अनहाइड करके एक्टिवेट कर देगा और बाकी जितने भी शीट है उसको हाइड कर, मतलब कि अगर मैंने एडमिन पासवर्ड डाला तो यूजर को हाइड कर देगा, अगर मैंने यूजर पासवर्ड डाला तो एडमिन को हाइड कर, समझ ओके गए। अब इसी में हमने कोई प्रोग्रामिंग गलत कर रहा है, ये एग्जिट फोर जो हम कर रहे हैं एग्जिट फोर नहीं होगा, ये जो प्रोग्रामिंग हमने किया हुआ ये प्रोग्रामिंग इश्यू कर रहा है, ठीक है सर, ये प्रोग्रामिंग इसी कर रहा है क्योंकि तो कंडीशन मिल रही थी तो हमें सब करना है, हाइड बाइट भी करना है, ठीक है। हाँ तो अब यहां पे हमने दिया हुआ है कि जे डॉट नेम तो इस फॉर लूप में तो सब सारे शीट वेलकम और यूजर नाम का जो शीट होगा वही दिखेगा, बाकी सब हाइड कर रहे हैं ना हम लोग फॉर लूप जो लगा रहे हैं, बाकी यहाँ सारे पे मुझे शीट्स। यहाँ पे क्या है ना सर, दो सीट को एक स्किप करना है, वेलकम को स्किप करना है, हाँ एक मिनट एक मिनट एक काम और भाई, नहीं आएगा ना, एंड आएगा क्योंकि वेलकम भी चाहिए एंड और मतलब जो हाँ एक सीट का नाम वेलकम और यूजर थोड़ी होगा, दो अलग स्पीड है ना, तो यहाँ पे मुझे ये डालना ही नहीं, ठीक है ना, हाँ ये हमें डालना ही नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं ना, वेलकम दिखाए और बता सारे रहा ही हूँ हाइड कर दे और मैं बाद बता में। रहा हूँ, हमने वेलकम को करवाया, बाकी सबको हाइड करवा दिया, ठीक है, अभी जो और नाम लिखे उसी को अनहाइड करें बाकी तो जो इसको जो ऊपर वाले को हम यहाँ पे लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, ये ऊपर जो कोड डाला था उसको नीचे डाल देते हैं, मतलब वेलकम को छोड़ के मैंने बाकी सबको हाइड करवा दिया जी हाँ और फिर हमने यहाँ पे ये करवा दिया और अनहाइड करवा दिया, और ये जो नेक्स्ट फोर जो लिखा हुआ है काउंट वगैरह ये जी यहाँ पे नहीं होगा, ये सबसे पहले होगा, बटन पे क्लिक करते ही होगा, क्योंकि ओके मान लो किसी ने गलत पासवर्ड डाला तो वो अपना जो पहले सीट एक्टिव था वो लॉस्ट कर दे, हाँ ठीक है सर। हाँ अब देखिए अब तो वर्क करना चाहिए, यहाँ पे मैंने डाला यूजर और यहाँ पे 2015, अब इसने बे इसको यूजर को लॉगिन क्यों नहीं किया, अब ये देखना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो वेलकम भी हाइड होता था, अब दूसरा आ गया कि भाई ए यूजर ए जो है ना शी डॉट वैल्यू डॉट ए पासवर्ड को मैच नहीं कर पा रहा है, रीजन ये है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होती है ना ये वाली वो नंबर में होती है, नंबर टेक्स्ट और नंबर का चक्कर पड़ गया सर, टेक्स और नंबर का चक्कर पड़ गया। अब मैंने यहाँ पे यूजर वन यहाँ पे 2015, अब आगे से यूजर एक्टिवेट हो गया, वापिस जाएंगे वो स्क्रीन, क्या क्या चेंज किया हमने वैल्यू वो। मैं दिखाता हूँ, मैंने एडमिन का पासवर्ड गलत डाल दिया लग रहा है, हाँ देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू थी जो पासवर्ड की वैल्यू थी ना वो नंबर में थी तो इसको वैल कर दिया, ओके या फिर आप एक काम कर सकते हैं क्योंकि करेक्टर मैच होना चाहिए ना, तो अगर नंबर पासवर्ड ना हो तो नंबर और वर्ड हो। हाँ तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वैल यूज ना करते, इसके लिए हम लिखते हैं CSTR, ठीक है, और हो गया
दो ब्रेक के ब्रेक का चाहिए, किसी ब्रेक का रहेगा, और इसको वी कर देते हैं सी एस टी आर, है सर, दोनों को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। हम एक बार डालता हूं यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे दे दिया यूजर 2.0.1.5 एंड लॉग इन, आगे यूजर ऐसे यहाँ पे करते हैं एडमिन और यहाँ पे 1.2.3 एडमिन लॉग इन नहीं हुआ सर, क्यों नहीं लॉग इन हुआ, हमें लग रहा है कि केस की चेंज प्रॉब्लम है, केस का मैं विजुअल पे आता हूँ, अच्छा इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक अमीन हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए यूजर और यहाँ पे 2.0.1.5 लॉगिन हो गया, यूजर आ गया और मैं यहाँ पे करता हूँ एडमिन, एडमिन 1.2.3 पासवर्ड है तो एडमिन आ गया, है सर जी। तो अब कोड को बताइए कि कोड में क्या दिक्कत है आपको, हमने सबसे पहले क्या किया, जितने भी शीट से सारे शीट को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, और इस शीट को हाइड करने में हमने क्या किया, हमने वेलकम गुलिया और यहां पे कर दिया कि भाई एक्सेल शीट वेरी हिडन, सबको वेरी हिडन कर दो, वेलकम छोड़ के सबको वेरी हिडन कर दो, वेलकम भी नहीं हो सकता क्योंकि एक सीट एक्टिव होना चाहिए, अनाइल होना चाहिए कम से कम ओनली वन सीट, इसलिए मजबूरी है वेलकम को शो करना, राइट। दूसरा हमने बोला कि जाओ फोर फोर लूप लगाओ और एक एक से जितने भी यूजर्स दिए हुए हैं सारे यूजर्स में देखो कि उसका पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सेम है या नहीं, जिसका यूजर नेम पासवर्ड सेम होता है उस सीट को विजुअल करो और उसको एक्टिव करो, समझे। और यहां पे फिर हम एल्स लगा, फिर इसके बाद हमने यूजर को अनलोड कर दिया, अनलोड मतलब क्या होता है वहां पे जी, अनलोड का अनलोड मतलब हुआ कि इसको हटा दो, यूजर फॉर्म जो हट जाता है ना वो हट जाए। अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर पासवर्ड गलत डाला तो क्या, तो इस अनलोड मी को हमने लूप के अंदर रख दिया हुआ है यहाँ, और इसी में हमने लिख देते हैं एग्जिट फोर, राइट, और फिर यहां पे देते हैं एम एस जी बॉक्स प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लॉगिन किया और पासवर्ड हमने गलत सलाह डाल के लॉगिन भी क्लिक किया तो ये बोला है करेक्ट पासवर्ड, समझे, और यूजर फॉर्म नहीं हट रहा है, यूजर फॉर्म अब तभी हटेगा जब इस पे हम करेक्ट पासवर्ड आ, राइट सर, अभी भी बोल रहा है प्लीज एंटर करेक्ट, तो एग्जिट फोर वर्क नहीं किया क्या, ये हमने बोल उसकी के साथ ही ले लिया ना, अनलोड करे और बोले कि वो तो लूप खत्म होते बोले ही गई राइट डालो या रॉन्ग डालो, एग्जिट फोर किया हुआ है ना, एग्जिट फोर किया हुआ है, एग्जिट फोर का मतलब हुआ कि भाई यहीं पे लूप जैसे इसको पाइडी पासवर्ड मिल गया ना हटा दो सब खत्म करो आगे चेक नहीं करना है, नहीं एग्जिट फॉर वो एंड इफ के बाद देना चाहिए, एग्जिट फॉर नहीं मुझे यहाँ पे एग्जिट सब करना है, ओ हाँ यहाँ पे सब करना, फोर तो लूप ही खत्म हो रहा है ना सर, एग्जिट सब से क्या होगा, अब ठीक है कि अब अगर हम यहाँ पे गलत सलत पासवर्ड देते हैं तो ये दिखा रहा है,
एक पासवर्ड, और सही पासवर्ड देते हैं यूजर 2015 एंड लॉग इन, तो हमने दिखाया। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ गया। ये अब मैं इस फाइल को तो ओपन करूँ, ओके, अभी सेव करता हूँ अब इस फाइल को। इसको हाँ फिर से वापस ओपन करें तो कैसा ओपन दिख। ओपन कर रहा हूँ। अभी इसमें दो प्रॉब्लम है, ओपन हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए यूजर सीट एक्टिवेटेड, वहां पहली प्रॉब्लम दिख रही है आपको? पे क्लिक करने से देख सकते हैं यूजर शीट में क्या लिखा है। नहीं, जब तक ये हटेगा तब तक नहीं देख सकते। ठीक है, ओके तो मुझे क्यों यूजर फॉर्म दिखवाना, मैं चाहता हूं कि यूजर वाला शीट में कोई शीट दिखे ही नहीं। तो उसके दो ऑप्शंस है, दो जगह पे आपको क्या करना, कोड आपको मैंने जो कोड आपने लिख रखा है ना उसी कोड को यूज करना है। क्या देखना था आपने, जो एक कोड लगाया हुआ है ना सर, इसी को दिस वर्कबुक में ओपन करते समय करो कि भाई जब फाइल ओपन हुआ तो सारे शीट हाइड कर दो, वेलकम रहने दो, या फिर बिफोर क्लोज लिख रहा होगा, बिफोर क्लोज में हमने बोला कि भाई ये हाइड कर दो और एक्टिव एक्टिव वर्क बुक डॉट से राइट। तो क्लोज होते ही क्या करेगा, फाइल को कर देगा और ये आपको वापस जब ओपन होगा तो यूजर फॉर्म को शो करने से पहले सारे शीट को हाइड कर देगा। तो ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ओपन या क्लोज। हाँ दोनों में दो डाल दिया भाई, हर बार हो सकता है कि यूजर ओके फॉर्म ना चले, सिक्योरिटी हो तो हाइड हो ऑलरेडी, और ओके वेरी हिडन है, इसको अनहाइड करने के लिए वीवीए का एक्सेस चाहिए, और वीवीए को एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टूल्स में वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाके प्रोटेक्शन पे जाके लॉक, यहाँ पे लॉक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो बिना पासवर्ड के कोड एक्सेस नहीं होगा, समझ आ गया। अब इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, जिसको सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं इजीली कैंसिल कर सकता हूँ, दिख रहा है सर। अब आपको आरएनडी करना है, रिसर्च करना है आइडिया इंटरनेट यूनिवर्सिटी से, हाँ गूगल गूगल बाबा। वही ना, गूगल बाबा से आपको रिसर्च करना है। हालांकि मुझे पता है, लेकिन क्या ना सर, क्लास के बाद जब तक तो कोई होमवर्क नहीं मिलता है, कोई चैलेंज नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं लगता कि क्लास किया है ये क्या। तो अग्री करता हूँ। तो ये आपको मैं दे रहा हूं कि आपको इसको डिसेबल करना है। ठीक है, जी यूजर फॉर्म यहां कैंसल बटन से कैंसल हो, जब भी कैंसल होगा तो सीओ कोड से ही होगा। ठीक है, जी ये आप करा, ये फाइल चाहिए आपको? जी भाई ठीक है, फाइल मैं आपको भेज देता हूं। जी।